वही गरियाबंद जिले के देवभोग में उड़ीसा कालाहांडी पुलिस गरियाबंद पुलिस के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने रणनीति तैयार की गई। दरअसल उड़ीसा राज्य के कालाहांडी में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है, जहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा गरियाबंद जिला के देवभोग छुरा मैनपुर गरियाबंद विकास खंड के सीमाओं से लगे हुए हैं। वही दूसरी ओर ये सीमाएं नक्सल प्रभावित भी हैं। इसे देखते हुए इन थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैधानिक गतिविधियां या प्रलोभन सामग्री का आदान प्रदान ना हो, इसे रोकने रणनीति बनाई गई। बता दें कि गरियाबंद में 26 अप्रैल को तो कालाहांडी में 13 मई को मतदान होना है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हमारा तो चुनाव हो रहा है, इसलिए हम इंटर स्टेट बॉर्डर का हमारा मीटिंग अभी चल रहा है। डीएसपी साहब आए, बाकी थानेदार आए, और उड़ीसा का जो बॉर्डर में जो थाने आते हैं उसमें थानेदार आए हैं। हम इसी चुनाव से अभी हमारा चेक पोस्ट लगाया हुआ, हमारा उड़ीसा में लगा रखा हुआ है, इनका भी छत्तीसगढ़ में उनका इलाका भी लगा रखा हुआ है। हमारा चेकिंग चलता रहता है। किस पर फोकस सर, ये उड़ीसा को छत्तीसगढ़ किन किन मामलों में प्रभावित कर सकती है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जो होता है ना, चुनाव जो होगा हमारा 13 तारीख को, इससे पहले हमारा कार्रवाई शुरू हो गया। अभी लोकसभा चुनाव हाल में संपन्न होने जाएंगे, उसके तारतम्य शांतिपूर्ण चुनाव कैसे संपन्न हो, उस संबंध में स्टेट पुलिस इंटर स्टेट पुलिस की अपना मीटिंग रखी गई है। इसमें उड़ीसा के बॉर्डर के जो SHO और अपने SDP साहब और अपने छत्तीसगढ़ के SHO लोग इसमें शामिल हुए हैं, और इसमें विशेषकर दो मुद्दों पर जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर जो है अपनी निगरानी रखने की, दूसरा जो नक्सलवादी माओवादी है वो भी चुनाव को जो प्रभावित करते हैं, ऐसी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए अपने मीटिंग रखा गया। साथ ही जो अवैध शराब मदिरा कोई सामान वस्तु पैसे रुपये इसकी रोकथाम के लिए, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो चुनाव प्रभावित करते हैं इसकी रोकथाम के लिए, और हम आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करके अब बेहतर तरीके से काम करें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, इस संबंध में एक आयोजन।